क्लास नाइन्थ चैप्टर सेवन ट्राइंगल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन फर्स्ट इज इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी. क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी मीन्स ए सी बी एंड डी. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सी इज इक्वल टू ए डी. ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्वेश्चन इक्वल बोला गया है तो मीन्स ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है. एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए मीन्स जो ए बी लाइन है, जो इनके बीच में जो ए बी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही. इस एंगल पे अगर अपन ने ये लाइन इस तरीके से बना दी तो मीन्स ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया एंगल ए, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है. सो डैट क्या सो करना, ए बी सी, ए बी सी मीन्स ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, ए बी डी के, ए बी डी के. ठीक है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये अपन को शो करना है. वी कैन यू सी अबाउट बी सी एंड बी डी. बी सी एंड बी डी को इसको मतलब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, है ना, तो ये अपन को बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने पास कितने ट्राइंगल हैं, टू ट्राइंगल है, ए सी बी एंड ए बी डी. तो इन दोनों ट्राइंगल में अपन ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी. अभी देखना इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ही लेना है. मीन्स इन दोनों ट्राइंगल में ए सी इक्वल ए डी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो राइट कर देंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ब्रेकेट में राइट कर देंगे गिवन. ठीक है, एंड अब क्वेश्चन में जो गिवन होता है वही अपन राइट करते हैं, इसके अलावा कुछ अलग से राइट नहीं करना है. ओके, क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये भी जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट करना मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया. अगर ये लाइन अपन ने यहां से बना दी तो एंगल ए मीन्स इसे ये जो एंगल है पूरा ए, ये आधा एंगल आधे एंगल के इक्वल है, तो मीन्स ये किस तरीके से राइट करेंगे, यहाँ पे बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डी. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, और यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर देंगे ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ पे है ये गिवन है. ओके, और अब ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन लाइन है, मीन्स इस कॉमन लाइन पर इस ए बी पर ये ट्राइंगल बन रहा है, इसी ए बी पर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो मीन्स ए बी क्या हुई, कॉमन ही, तो राइट कर देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी. अगर ये थ्री चीज मीन्स थ्री कोई भी इक्वेशन मीन्स थ्री ये पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो जो गिवन हुआ था वही तो अपन इसमें राइट करते हैं. तो ये जो ट्राइंगल है जिसमें अपन ने लिया था, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी डी. तो ये किससे हुआ है, वाई साइड एंगल साइड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रेंस. ओके, इस तरीके से ही हो गया. तो अपन को क्या पूछा गया था, क्या बी सी इक्वल बी डी है, तो यस बी सी इज इक्वल टू बी डी. बी सी इज इक्वल टू बी डी, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए ये दोनों ट्राइंगल, ये इसके इक्वल गिवन था, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए तो ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो जाएगी, तो आंसर राइट कर देंगे ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी डी प्रूफ एंड साइड बी सी इक्वल एंड साइड बी डी. ओके, क्वेश्चन वन कंप्लीटेड.